हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी क्लासेस 007। मैं अजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से मैं आप लोग के लिए भूगोल का एक नया अपडेट लेकर के आ गया हूँ, और ये आपके चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। चैप्टर 3 का पार्ट 1 जो भी नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा जरूर से जरूर एक बार, तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये पार्ट 2 है और चैप्टर 3 का नाम आपका जल संसाधन है। तो जल संसाधन के विषय में हम लोग देख चुके थे कि जल का जो है मात्रात्मक के गुण के विषय में देखे थे, फिर गुणात्मक पहलू के विषय में देखे थे, जल दुर्लभता के विषय में देखे थे। तो ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़े थे, फिर देखे थे कि इसमें हम लोग क्या किस चीज़ के विषय में बात करेंगे। तो उसमें से हमारा अगला पॉइंट जो था वो था कि बहुउद्देश्य परियोजना, या फिर इसको हम लोग बांध भी कहते हैं। तो बांध क्या होता है और या फिर बहुउद्देश्य परियोजना क्या होता है, दोनों एक ही बात है। इन दोनों के विषय में हम लोग समझते हैं। अभी तक हमने सीखा कि पानी जो है जल संसाधन यह को क्या करना, संरक्षण और नियोजन बहुत ही क्या हो जाता है, जरूरी है। आखिर यह कैसे किया जाएगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कहता है कि पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख या दस्तावेज, जिसको इंग्लिश में रिकॉर्ड बताते हैं, कि प्राचीन समय से ही बांध बांध बना करके जलाशय अथवा झीलों का तटबंध से तटबंध और नहरों के सहारे क्या किया जाता था, जलों का संरक्षण किया जाता था, जलों को रोका जाता है, यानी कि वैसे चीज बना करके वैसे काम करते थे। और हमने आधुनिक दुनिया में भी इसे जारी रखा है, यानी कि वही सब बातों को जो पहले किया जाता था उसी को अब भी हमने जारी रखा है। उसी के आधार पर अभी भी हम लोग जल को संरक्षण देते हैं। नदी के पानी के बहाव को रोकने के लिए और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता था, पहले किया जाता था, परंतु आज के आधुनिक काल में इससे अनेक उद्देश्य हो गए। यानी कि देखिए, पहले क्या कहता था, नदी के पानी के बहाव को रोकने के लिए और भविष्य में इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग केवल बांध बनाते थे, यानी कि केवल एक दो ही जरूरतें थे जिसके लिए हम लोग बांध बनाते थे। परंतु अभी इनका जो उद्देश्य है बांध बनाने का उद्देश्य बहुत सारा हो गया, यानी कि अनेक हो गया। अगर आप बांध के प्रयोग के विषय में यानी कि यूज के विषय में देखें तो बिजली उत्पन्न करने के लिए बांध बनाते हैं, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए बाढ़ बनाते हैं। अगला अगर बात करें तो पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए, जैसे सिंचाई के लिए पानी चाहिए, घरेलू काम के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए सप्लाई वाटर आदि वगैरह के लिए हम लोग पानी की जरूरतों के लिए डैम बनाते हैं। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हम लोग डैम का निर्माण यानी कि बांध का निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बांध जो है बहुउद्देश्य परियोजना है। इसी के आधार पर हम लोग बांध को क्या कहते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। इसीलिए हम आप 2 मिनट पहले आपको बताएं कि बांध और बहुउद्देश्य परियोजना क्या है, दोनों एक ही बात है। यानी कि बांध अगर बोला जाए या फिर बहुउद्देश्य परियोजना बात बोला जाए तो दोनों आप एक ही समझिएगा, बना 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 गया है, ठीक है, बनाया गया है या बनाया गया है। या फिर आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद अगर भारत के विकास के लिए बांधों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद बांध अगर बनता था तो लोगों को लगा था कि इससे हमारे देश का विकास होगा, समृद्धि होगी, समृद्धि समृद्धि आपको पता ही है, धन में वृद्धि होगी और क्या होगा कि हम लोग को नए नए संसाधनों की जरूरत ज्यादा घट जाएगी। अगर अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कह दिया था कि बांध जो है आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर है। ऐसा किन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगर बात, परंतु पिछले कुछ सालों से बांधों के कुछ विरोध भी आए हैं, यानी कि इसके विरोध क्यों आए हैं, क्योंकि इससे कुछ नुकसान हो रहे हैं। क्या नुकसान हो रहे हैं, वो क्या नुकसान है, उसके विषय में हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर आपके मन में कोई नया नुकसान आएगा या फिर कुछ आपके मन में आएगा तो उसको जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम आपको बताते हैं। एक नंबर अगर बात करें तो मृदा की उर्वरता पर प्रभाव पड़ गया है। नदी पर बांध बनाने और उसका बहाव को नियंत्रित करने से क्या होता है, उनका जो प्राकृतिक बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो बह रहा था वो रुक जाता है, जिसके कारण होता है क्या, तलछट बहाव जो होता है कम हो जाता है, और अत्यधिक तलछट जलाशय की जो तट है उस पर क्या होता है, जमा हो जा होता रहता है, और नदी का तल जो है अधिक चट्टानी हो जाता है, यानी कि यह तल लिखे तली पर जमाते हैं। ये तलछट बहाव क्या होता है, देखिए पहले अगर पानी धीरे धीरे बह रहा था, मान के चलिए क्या हो रहा था, धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन एक बेग पानी को क्या कर दिए, रोक दिए, अब उसको तेजी से बहा रहे हैं। अब जैसे ही वो तेजी पकड़ता है तो उसके सामने आने वाला जो भी मृदा आदि वगैरह सबको बहा करके ले जाता है, और वो उसको जैसे ही बहा करके लेता है और यहाँ पर जो मिट्टी है यहाँ पानी के पास वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, यहाँ केवल पत्थर ही पत्थर बचता है, परंतु ये मिट्टी किनारे आ जाता है,
किनारे आ जाता है, जिसके कारण किनारे मिट्टी पड़ जाता है। लेकिन इस पानी का बहाव दूर तक फैलता है, क्योंकि एक बेग पानी आता है तो किनारे की मिट्टी को भी वो बहा कर ले जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और बहा करके सीधा वो कहाँ पर फेंक देता है? समुद्र में। और एक बार में जो समुद्र में चला गया, क्या लगता है वो वापस आ सकेगा क्या? नहीं आ सकेगा। मृदा तो नहीं आ सकेगा, जल तो एक बार आ सकता है कभी मौसम परिवर्तन के कारण, लेकिन ये मृदा जो है ये नहीं आ सकता है। तो ऐसे में ये बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। अगला अगर पॉइंट की बात करें तो जलीय जीव को जीवित जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आपको पता है कि जल में बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं। कभी कभी बांध नदी को बांट देते हैं। बांध क्या करते हैं? नदी को बांट देते हैं। अगर बांध यहाँ पर बनाया है तो वो नदी के बहाव को रोक करके आगे आने वाले कुछ और नदियों से, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक गंगा नदी है, गंगा नदी बह रही है, और गंगा नदी में ये यमुना नदी आकर के मिल रही है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ही डैम बना दिया। क्या लगता है इसका पानी इसमें आकर के मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यानी कि इस नदी को इस नदी से उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, इन्होंने इसका बंटवारा कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि अब जो इसमें जो कह सकते हैं कि नाम लिख देते हैं हम आपके लिए, अगर यहाँ पर जो जलीय जीव था, अगर वो यहाँ पर आकर के अपना कुछ भोजन तलाश करता था तो वो अब नहीं कर सकेगा। ऐसे में इसका बंटवारा हो जाता है, जिससे जलीय जीव जैसे कि मछली और केकड़े आदि वगैरह, जो भी केकड़े तो शायद अंडे नहीं देते हैं, इसको हटा लीजिए, ठीक है, इसके वजह से हम थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन में हैं। अगर मछली और ढेर सारे जलीय जीव की बात करें तो वो क्या करते हैं, इनके स्थानांतरण का अवरुद्ध हो जाता है। यानी ये विशेष अंडे देने वाले जीव जो अंडे देते हैं, उन अंडे देने का वो एक ऋतु, एक मौसम होता है, अलग अलग मौसम में वो अंडे देते हैं। ऐसे में उसका स्थान परिवर्तन नहीं कर पाते, इससे जलीय जीव का प्रभाव क्या हो जाता है, इससे जलीय जीव पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि वो अपने अंडा देने के लिए एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते, जिससे उसका वृद्धि जिससे उसकी वृद्धि में कमी आ जाती है, तो जलीय जीव पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर दूसरे जीव की बात, दूसरा अगला जो पॉइंट है वो है जैव विविधता का हराज। जैव विविधता का हराज कैसे होता है? बांध के निर्माण के लिए हमको बहुत बड़ा क्षेत्र आरक्षित करना पड़ता है कि यहां तक बांध बनेगा, यहां तक कोई भी रह नहीं सकता है, जिससे बनाते हुए बहुत सारे गांवों को और जंगलों को क्या कर दिया जाता है, डूबा जाता है। यानी कि बांधों को रोका जाता है, उसका पानी का प्रसार होता है, और उसके पास आने वाले गांवों और जंगलों को क्या कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। डुबा के जान के तो नहीं डुबाया जाता, क्योंकि पानी का बहाव फैलता है तो वो उसमें अपने आप ही जलमग्न हो जाते हैं। यानी कि स्थानीय लोगों को और जैव विविधता को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। अब अगर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को लाभ नहीं हुआ, तो आखिरकार इससे लाभ किसको हुआ, ये बात भी आपके लिए मायने रखता है। तो इसके विषय में हम आगे आने वाले पॉइंट्स में जरूर चर्चा करेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा है कि फसल प्रारूप परिवर्तन, देखिए इनको सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। अगला पॉइंट करें तो बांध की वजह से जो हुआ, क्या हुआ, जो बहुत ही विकास जो भी किसान थे, उन्होंने नदी के किनारे जो बसे थे, उन्होंने क्या कर दिया, जल जल के जगह जलगह और वाणिज्य फसलों को उगाना प्रारंभ कर दिया। ये क्या होता है, यानी कि वैसे फसल जिसको पानी की अधिकता होती है, और यानी कि उन्होंने जिससे उसको मुनाफा हो, वैसे तरह का फसलों को उगाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पानी का कमी तो था नहीं। हम गर्मी के मौसम में भी धान उगा सकते थे जिसको अधिक पानी की जरूरत पड़ती, क्यों, क्योंकि हमारे पास बगल में पानी था, सिंचाई करके हम पानी ला सकते थे। ऐसे में उन्होंने ऐसे फसलों को उगाना और वाणिज्य फसलों जिससे कि मुनाफा हो, पैसा कमाया जा सकता है, जैसे गन्ना कपास आदि वगैरह का खेती करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इससे नुकसान हुआ, जिससे मृदा पर बहुत ही परिस्थिति के परिणाम आया, जैसे कि मृदा अगर नवीकरणीय का बात करें। अगला है असमान वितरण, जल के असमान वितरण से समाज दो भागों में वितरित हो गया। पहला क्या हुआ, अमीर, और दूसरा कौन हो गया, गरीब। जिसको ज्यादा मिला वो अमीर हो गया, और जिसको कम मिला वो कौन हो गया, गरीब हो गया। इस प्रकार से समाज का वितरण हो गया। ये थे बहुउद्देश्य परियोजना के कुछ हानि के विषय में। लाभ के विषय में तो पता ही है, हानि के विषय में, ठीक है, अब सवाल आता है कि इन सब से जनता का क्या रूप हुआ, जनता के क्या फायदे हुए। इन सब के विरोध में लोगों ने कुछ आंदोलन प्रारंभ किए, जैसे कि क्या किए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, ये सारे आंदोलन किए। क्या इसके विरोध में, आखिरकार अगर किसी भी चीज का हानि होता है तो देश का जनता उसके विरोध में आ जाता है कि आखिरकार इससे जब हानि हो रहा है तो इसको हटा दिया जाओ। ऐसे में इसके विरोध में जनता आ गए। और अब यह भी कहा जा रहा है कि बांध बाढ़ नियंत्रण में असफल रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि उदाहरण के तौर पर 2006 में जब भारी वर्षा हुई थी तो उस समय बांध नियंत्रण नहीं कर सका था। अरे बांध जब हम बनाए हैं तो यह बाढ़ को नियंत्रित क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि इससे बाढ़ नियंत्रित नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ आ गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि भूकंप और जल प्रदूषण और जल की कमी का कारण भी कौन है, बांध ही है। अब आपके लिए एक सवाल है कि आप घर में पानी कहाँ से आता है, यानी कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है, आप पानी का यूज कैसे करते हैं, क्या आप पानी बचाते हैं, आने वाले समस्याओं के लिए आप क्या करते हैं, इसके विषय में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे की पॉइंट को और बढ़ते हैं।
आगे की पॉइंट की अगर बात करें तो वह है वर्षा जल संग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे जैसे बहुउद्देशीय परियोजना नुकसान के सामने आए, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना नुकसान करने लगे, वैसे वैसे लोगों ने वर्षा जल संग्रह को सफल यानी कि आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आज वर्षा जल संग्रह को सामाजिक और आर्थिक रूप से पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा साधन समझा जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में भी वर्षा जल संग्रह को बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता था। जैसे अगर बात करें तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोग गुल अथवा कुल एक गड्ढा के रूप में नाम है जिससे पश्चिमी हिमालय में बनाए जाते थे, जिसमें पानी को जमा करते थे। अगर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए क्या करते थे, गड्ढे बनाए जाते थे। अगर आगे बात करें तो जैसलमेर एक स्थान का नाम है, वहाँ पर खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। यानी कि इन सभी तरह से प्राचीन काल से ही वर्षा का जल को संग्रह यानी कि बचाया जाता था। अगर अगला पॉइंट करें तो छत वर्षा जल संग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर समझिएगा। कहता है कि यह प्राचीन समय से ही प्रचलन में था, प्राचीन यानी कि बहुत पहले से ही प्रचलन में था। छत पर वर्षा जल को जमा किया जाता था, फिर एक पाइप के जरिए जमीन पर बने टैंक में जमा किया था। देखिए, पहले छत पर जमा किए और उससे पाइप लेकर के, उससे क्या कर दिया हम लोग, पाइप से ला करके फिर जमीन के अंदर एक टैंक बनाए हैं और उस टैंक में ला करके पानी को क्या कर दिए, जमा कर दिए, और फिर जरूरत के हिसाब से, और फिर गर्मी या सूखे दिनों में जरूरत के हिसाब से इसका प्रयोग करते थे। कब? पुराने जमाने में, आज भी इसका प्रयोग होता था। और वैज्ञानिकों की माने तो ये वर्षा जल प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप है, यानी कि इससे किसी भी तरह का खतरा आपको नहीं हो सकता। आगे अगर बात किया जाए तो वो है, आज भी जो है छत वर्षा जल संग्रह को गांवों और शहरों में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। अगर कर्नाटक के मैसूर की बात करें, जो एक सुदूर गांव गंठाथुर नाम है, लगभग 200 घरों में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था लागू करके उन्होंने क्या किया, वर्षा जल की संपन्नता पर अर्जित कर लिया, यानी कि वहाँ पर वर्षा जल सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है, परंतु जल का संग्रह करके 50,000 यानी कि 50,000 लीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। और 20 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जो है जल को एकत्रित किया जाता है। देखिए, वर्षा होती है 1000 और वो कर लेते कितने, 50,000, और अगर 20 घरों की बात करें तो उन्होंने कितना कर लेते, 10 लाख, और इसकी बात करें तो 1 लाख पानी, एक व्यक्ति कितने 380 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं 1 लाख लीटर पानी पी करके, और यहाँ पर तो 10 लाख पानी की बात है, समझ सकते हैं कितना पानी उन्होंने जमा किया था। अगला जो पॉइंट है वो टांका है। ये टांका क्या होता है, टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। देखिए, हमने बताया था कि छत वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है, लेकिन उसको संग्रहित करके जहां पर रखा जाता है उस क्षेत्र को हम लोग टांका कहते हैं। क्या कहते हैं, टांका, एकदम बहुत बड़ा क्षेत्र जिसका बहुत ही गड्ढा बनाया जाता है ताकि उसमें पानी बहुत ज्यादा एकत्रित किया जा सके और अगले वर्षा ऋतु तक उसका प्रयोग किया जा सके। तो यहां तक आपका चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और हम जितने भी बातें पढ़े हैं उसके विषय में उनको लगता है, उम्मीद करेंगे आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें हम आपको बता चुके हैं कि क्या आप जानते हैं, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया है, और यहाँ जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें दंड भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वर्षा ऋतु को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। अभी तक के लिए इतना ही, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर नए नए अपडेट रोज़ मिलेंगे। रोज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया है। आने वाले क्वेश्चन आंसर लेक्चर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।